हालेलुया। सबसे पहली जो खूबी है खुदावंत में, आपको पता है यीशु मसीह की खास बात क्या थी? वो कामिल इंसान थे, वो कामिल खुदा तो थे, वो कामिल इंसान भी थे। दिस इज द बेस्ट थिंग हमारे लिए कि इसलिए हमारा स्टैंडर्ड यीशु मसीह है। बीइंग ए ह्यूमन, वो एक्चुअल ह्यूमन आए बन के, इंसान आए बन के, कि हम अगर वो कर सकते थे ना तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इंसान थे, अगर वो कामिल खुदा थे, वो कामिल इंसान भी थे। सेम स्पिरिट बाइबल में लिखा है जो खुदावंद को मिली, यीशु मसीह को मिली, वो हमें भी है। सेम माइंड जो खुदावंद यीशु मसीह को मिला है वो हमें भी है। अमेजिंग बात है कि सेम स्पिरिट, सेम पाकरू, सेम माइंड जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था, वो बाइबल में लिखा है कि वो हमारे पास भी है। तो हम लोग बेसिकली बाइबल में लिखा है कि वैसे ही मिजाज होना चाहिए जैसा कि यीशु मसीह का था। इसलिए हम लोग उनकी जो खूबियाँ एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखेंगे और अपने आप को एक एक मिनट लिए देखेंगे, अपने आँखें बंद करेंगे और खुदा को कहेंगे, खुदा इस चीज़ में मेरी कमी आ गई है, इस चीज़ में मैं ठीक था, ये कमी है तो उसको दूर कर दें। सबसे पहले जो बात थी जीसस की बीइंग ए ह्यूमन, वो थी ओबेइंग। जो उनके जुम्मा कुछ खुदावंद ने लगाया था, जो उनके बाप ने उनके जुम्मे कुछ लगाया था, उन्होंने क्या किया, वो सही सही उसको क्या किया, उबे किया, फॉलो किया। ऐसे ही है, सारे मेरी तरफ देखे, मैं कैमरे में भी याद नहीं, सारे इधर देखे, लाइव देखे मुझे सारे कि क्या हुआ। सबसे पहले जो है वो थी फरमाबरदारी, जो खुदावंद यीशु मसीह की एक एट्रीब्यूट था, वो क्या थी, फरमाबरदारी। जो खुदावंद ने उनको कहा, जो भी खुदावंद ने उनको कहा, उन्होंने कैसे किया, हालात जैसे भी थे, कैसे भी हालात थे, उन्होंने क्या कहा, एक दुआ उन्होंने क्या की, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, क्या हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो सबसे पहले ये बात, फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह की जो एक मेन चीज थी वो थी फरमाबरदारी। जो उनके जुम्मे लगा था खुदावंद ने उनको क्या किया था, वो उन्होंने उसको क्या किया था, फुलफिल किया था। बचपन से लेके अपने एंड तक, तमाम होने तक, जब उनका आखिरी कलमा था तमाम, तब तक उनकी पूरी जो लाइफ है वो क्या थी, बस ओबेइंग में गुजरी, फरमाबरदारी में गुजरी खुदावंद की। क्या था, वो शहंशाहों की तरह नहीं थे रह सकते, क्या नहीं था, हो सकता शहंशाहों की तरह आते जमीन में, शहंशाहों की तरह रहते खुदा थे वो रह सकते थे, बट स्टिल जो उन्होंने, जो उनके जिम्मे था, उन्होंने सही सही उसको क्या किया, फॉलो किया। अब हम लोग क्या है, हम लोग की, अगर आप खुदावंद की आवाज को पहचानते हैं, अगर आपको पता है, एक काम है जो हम लोगों ने करना ही करना है, और वो है गो एंड मेक द डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन, जाओ और जाके सब कौमों को शामिल करना। तो बेसिकली ये काम है, और ये एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, हम सब के लिए, जो क्रिश्चियन हैं वो सब के लिए है। तो इसलिए इसमें हमेशा फरमाबरदार रहें। और क्या फरमाबरदारी है, टाइट है खुदावंद के लिए, क्या करें, टाइट है, ये फरमाबरदारी है। ये वो चीज़ें हैं जो भी है हमने करना ही करना है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ, मैं शॉर्ट शॉर्ट प्यार करूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ एक मिनट के लिए जल्दी से आपके बात करें और अपने आप को एवेल्युएट करें कि कहाँ पे आपने फरमाबरदारी नहीं की खुदावंद, क्या कोई ऐसी चीज थी लाइफ में। मैंने तो ये सिर्फ दो एग्जाम्पल्स दी हैं, मे बी आप खुदा ने आपको वर्शिप का थोड़ा दिया हो, खुदा चाहते हो आप किधर जाके वर्शिप करें, मे बी आपको सब टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, खुदा कहते हो कि जाओ उसको जाके कलाम सुनाओ, आपने ना सुनाया हो, किसी भी किस्म की, आप जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। तो एक आंखें बंद करें अपनी और जस्ट एवेल्युएट कि कहाँ पे अगर मैंने कोई फरमाबरदारी नहीं की तो खुदा को कहें, खुदा मुझे यीशु जैसा मिजाज चाहिए था। अगर मैं कहीं पे कमज़ोर ना हूँ फरमाबरदारी में, आपकी फरमाबरदारी में, तो खुदा मैं चाहता हूँ कि अब वो जो सारी चीज़ें वो दूर रहें और मेरा मिजाज आप जैसा हो जाए, मैं क्या हो जाऊँ, यीशु मसीह जैसा। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, यू आर गुड गॉड, हालेलुया, थैंक यू। जब आप ये प्रेयर कर लें तो अपने हाथ खड़े कर लें ताकि हम अगले पॉइंट की तरफ जा सकें।
एवन। अब अगला जो पॉइंट था वो भी बहुत जरूरी है, परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज क्या होना है, वक्त पे होना और तरतीब से होना। हम लोग इस काम में इतने खराब है ना, पाकिस्तानी लोग इतने खराब है, मैं क्या बताऊं। 2 मिनट का क्या, क्या 2 घंटे तो कहीं नहीं है, ऐसे है कि नहीं। खुदावन की जो लाइफ थी हमेशा टाइम को वैल्यू देती थी, परफेक्ट टाइम को। और वो कैसे, खुदावन ने मुनादी का आगाज तब किया जब उन्होंने अपने आप को पूरा याद है 40 डेज क्या किया, खुदावन ने फास्टिंग की और अपने आप को प्रिपेयर किया, ऐसे ही किया। परफेक्ट टाइम था उनके आसमान पे जाने का, परफेक्ट टाइम था उनकी जान करने का, और परफेक्ट टाइम था जितने भी उन्होंने कोई मौजजात किए। परफेक्ट टाइम क्या था, जब वो सामरी औरत को मिले, रास्ता कहीं और जाना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ चूज किया, परफेक्ट टाइम उस टाइम वहाँ पे पहुंचे जब सामरी औरत ने उधर आना था। हर चीज में परफेक्ट टाइमिंग थी उनकी, इसलिए टाइम को खास तौर पर वैल्यू करें। अगर आपका कहते ना कि मैंने इस टाइम पे वर्क के लिए, कौन कौन टाइम पे जाता है जब सैलरी कटती है, कौन कौन टाइम पे जाता है, ऐसे ही है। इसलिए सिर्फ सैलरी का सोच के जो आपको टाइम खुदा ने जमीन पे दिया, बहुत शॉर्ट सा है, बहुत शॉर्ट है। हम एक लग से, मेरे पास एक लंबी रस्सी है, उस पर एक इतना सा हिस्सा ब्लैक है, तो वो है ये दुनिया। इटर्निटी बहुत लंबी है, इसलिए जो ये टाइम है उसको ज़ाया ना करें, इसकी वैल्यू करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे खुदा ने इसको इतनी वैल्यू दी टाइम को कि उन्होंने अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, यार चलो कर लेंगे फिर कर लेंगे, हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पर थी। इसलिए आज अगर ये आप लोगों में चीज़ नहीं है तो मेक श्योर इस चीज़ को अपने अंदर ले करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप में क्या होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, और टाइम की क्या होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अब तब भी अपने आप को कदर दे सकेंगे, और ये एक एट्रीब्यूट है खुदावन का, ठीक है। फर्स्ट एट्रीब्यूट था परमावन, दूसरा एट्रीब्यूट है क्या, वक्त की पाबंदी, वक्त को वैल्यू करना। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार फिर अपना चला करें, कहीं कमजोर रह गए आप पुराने डेज में, आपने कभी टाइम को वैल्यू नहीं दी कि टाइम ना था, ठीक है आप इजी हैं। अब खुदा उनको कहें, खुदा मैं 1 मिनट जो आपने दिया ना, मैं उसको भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उस टाइम को भी वैल्यू दूंगा, जैसे आप देते रहे हैं, जैसे आपने इस टाइम किया, मैं ऐसे ही करूँगा हमेशा। प्रेयर के बाद आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। मजे की बात पता है कि आज जो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं। तो मेक श्योर ये जो करें दिल से करें, हम लोग किसकी तरह हो रहे हैं, यीशु मसीह की तरह, क्योंकि हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जा रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड है यीशु मसीह। हम आहिस्ता आहिस्ता 2 पॉइंट सीख लिए, हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, वो है पेशेंस, बर्दाश्त। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, हम लोग में बर्दाश्त है ही नहीं। समटाइम कुछ चीज़ों में बर्दाश्त है, हम लोग कर लेते हैं कुछ चीज़ों में बर्दाश्त हम लोगों में है। इसलिए आप लोगों को यीशु मसीह की पूरी लाइफ बताओ, उन्होंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, ह्यूमिलेशन बर्दाश्त की, हर चीज़। लेकिन बर्दाश्त बेत के कामों में नहीं, सिर्फ खुदावन के लिए। अगर आप खुदावन को ऑनर कर रहे हैं अपनी बर्दाश्त से, कोई आप खुदावन के लिए आपको परसिक्यूशन सहनी पड़ रही है, आप खुदावन का काम करते करते मुश्किल हालात आते हैं, आपको सहने पड़ रहे हैं, करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, यार ठीक है मैं नहीं करता, जरूर अपने आप को मुश्किल हालातों में डाल दें। तो ये पॉइंट भी बहुत जरूरी, हर एक पॉइंट की अपनी अहमियत है, इसलिए जो पेशेंस है ये बहुत जरूरी है, बर्दाश्त बहुत जरूरी है, बर्दाश्त से हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, ऐसे है कि नहीं। इसलिए कभी भी यीशु मसीह के लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, कितनी मुश्किल हालात करना हो, बर्दाश्त कर लें, लेकिन खुदावन के काम से पीछे ना हटें। खुदावन का काम स्ट्रेट है, खुदावन का काम सीधा रास्ता है,
जो रास्ता है वो बहुत तंग है जो गुलाम के पास जाता है, और वो बहुत सीधा, हमने उसी रास्ते पे चलना है। एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा हुआ था कि आपको याद है जब तारा चमका था, जब यीशु मसीह ने पैदा होना था, तब यूसी उस तारे को फॉलो करते आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सेंस से क्या किया, तारे को छोड़ के बादशाह के पास चले गए कि भी मुझे हम बताएं कहाँ बादशाह आ रहा है, कि खुदा उनको खुद गाइड कर रहे थे तारे से। बट ऐसा हुआ कि उन्होंने छोड़ा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कितने बच्चे मर गए। कि जब वो हेल्थ इसके बाद जब उसने कहा कि कौन ऐसा बादशाह जो आ गया, जो पैदा हो गया, उन्होंने सारे 2 साल के बच्चों को मरवा दिया। इसलिए अपना रास्ता स्ट्रेट रखें, रास्ते से पीछे ना हटें, कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ता है, मुश्किल हालात आते हैं, बर्दाश्त करें सिर्फ खुदावन के लिए। गलत कामों में नहीं वगैरह, हमारा रास्ता स्ट्रेट है, तंग रास्ता है, और आपको खुदावन का रास्ता पता है कि वो क्या है, पता है ना सबको कि खुदावन का रास्ता क्या है। इसलिए पेशेंस, जो खुदावन ने हर चीज़ बर्दाश्त की, घोड़े बर्दाश्त किए, सब कुछ बर्दाश्त किया, यूमिलेशन बर्दाश्त की, हर चीज़ बर्दाश्त की, बट उन्होंने रास्ता स्ट्रेट रखा, उनको जो फरमान बताया उनको करने की उन्होंने पूरी की, और उन्होंने काम पूरा किया, तो खुदावन ने कहा तमाम है। इसलिए जो आपके जुम्मे लगे आप लोगों ने वो भी तमाम करना है, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना। इसलिए पेशेंस रहें और खुदावन बढ़ते चले जाए। एक मिनट के लिए आते हैं, कभी ऐसा हुआ हो आपके आपकी लाइफ में कि खुदावन आप कहीं पे भी आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा हो यीशु के लिए, और आपने पिक ये किया हो कि ठीक है मैं ये बात में कर दूंगा, क्यों बर्दाश्त करनी है ऐसी चीज़, तो खुदावन को दे, खुदावन मैं कहीं इस चीज़ में कमज़ोर ना हो, तो खुदावन अब मैं नहीं रहना चाहता, मैं सर गर्म होकर आपको फॉलो करना चाहता हूँ, सेम ऐसे जैसे यीशु ने किया, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, मेरा मिजाज वैसा ही। हालेलुया, आप लोग यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं ये ज़हन में रखें, इसलिए दिल से करें जो कह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। यीशु के नाम में आमीन। अब एक और बहुत मेन पॉइंट है, हेल्दी एंगर। हेल्दी एंगर को उर्दू में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा गुस्सा। गुस्सा बाइबल में लिखा नहीं करना चाहिए, बट देयर इज डिफरेंट बिटवीन हेल्दी एंगर और एक गुस्सा। गुस्सा इज अ बैड स्पिरिट, आपको पता है जो गुस्सा है वो एक बदरू है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे। आप लोग कितने अपनी फैमिली में क्यों ना बैठे, जब आपको गुस्सा आता है ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आप कभी भी चाह के आप जब गुस्सा नहीं करे होते तो कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो गुस्सा है वो स्पिरिट है, जब आपके सर पे चढ़ जाती है तो वो बेसिकली आपको कंट्रोल कर लेती है। ऐसे ही है, कौन कौन मानता है इस चीज़ को, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जिसको, और अपने लिए बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, गलत गलत बात है। इसलिए एक जो मेन पॉइंट है वो यीशु मसीह का गुस्सा कैसा था, वो हेल्थी एंगर था। हेल्थी एंगर कैसे था, एक बार उन्होंने कहा शेड्यूल को, एक पहले दूसरी मिसाल देता हूँ, हैकल का वाक्य किस किस को याद है, यीशु को गुस्सा आया किस लिए आया, क्योंकि उसके बाप का घर डिफाइन कर रहे थे लोग, कि जो जिस खुदा का घर था उसको क्या कहते, नापाक कहते, दिस इज हेल्थी एंगर। वो एंगर जिससे खुदावन को ग्लोरी मिले, वो एंगर जिससे खुदावन का रास्ता, खुदावन के रास्ते पे जाना हो वो अच्छा है, लेकिन उस एंगर की लिमिट है। ये नहीं कि आप उसके चलते आप किसी को कतल ही कर दें, कि मैंने खुदावन के रास्ते को अपनाना है मान लें, ये गलत है। हेल्थी एंगर होता है जैसे किसने किया, वो कंपैशनेट थे, उनका एंगर भी बेसिकली मोहब्बत वाला था, क्योंकि वो प्यार करते थे। अब हेल्थी एंगर क्या है, लेट्स सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड है और उसकी एक वाइफ है, ठीक है। अब वो अपनी वाइफ, मतलब घर में रहते हो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करता, उसकी वाइफ को कोई लोग तंग करते हैं कुछ भी, अगर उसको गुस्सा नहीं आता तो दिस इज टोटली रॉन्ग, उसको उस टाइम गुस्सा आना चाहिए, ये हेल्थी एंगर। ऐसे ही खुदा जो गॉड इज अ जेलस गॉड बाइबल में लिखा है, इसलिए खुदावन नहीं पसंद करते कि हम लोग किसी और दूल्हे को अपनाएं। हम लोग खुदावन की क्या है, कलीसिया है, खुदावन की कलीसिया है, दूल्हे हैं हम लोग। तो हम जब
किसी पैसे को अपना खुदा बना लेते हैं हम, जब कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो खुदाओं की सजा है उसको, उनको गुस्सा आता है। दिस इज साफ साफ बाइबल लिखा है कि और इज़राइल के साथ क्या कुछ नहीं हुआ जब उन्होंने दूसरे रास्ते फॉलो किए। ये ठहरती एंगर, वो एंगर जो खुदाउन को ऑनर करे, वो एंगर जो हमें खुदाउन से मिला, एक्चुअली वो एंगर नहीं है, बेसिकली कंपैशन है उस, इट्स हेल्थी एंगर। गुस्से में अपना आपा ना खोना, बेफजूल बातों पे गुस्सा करना, समटाइम होता है अपना हम एटीट्यूड ही ऐसा बना लेते हैं कि जब दूसरा, समटाइम ऐसा होता है बचपन से ही हमें कुछ लोगों को कह दिया जाता है बहुत गुस्से वाला है, ऐसे बहुत गुस्से वाला है, वो ना चाहते हुए भी अपने आप उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि वो शो करना चाहते हैं कि सारे कहें कि मैं गुस्से वाला हूँ। एक पर्सनैलिटी बन जाती है उसकी, पता चले भी ये पर्सनैलिटी है, हर एक सिंपल से ट्रेड है। इसलिए स्पेशली इस बात पर गौर करें कि गुस्से को अपने ऊपर हैबिट ना होने दें, अगर गुस्सा आता है तो सिर्फ हेल्थी बातों में आए जो खुदावंद की बातें हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो उन पर ऐसा गुस्सा करें कि उनको उनको ये पता चले या वो गुस्सा कर रहे हैं तो खुदावंद के लिए कर रहे हैं कि, और कंपैशनेट होना साथ साथ क्या हो, कंपैशनेट हो उनके लिए, मोहब्बत हो आप में कि अगर लेट्स से कि आपकी वाइफ आपकी बात नहीं मान रही या आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा तो थोड़ी देर के लिए नाराज होना अच्छी बात है, वो एक हेल्थी गुस्सा कि उसको कहें कि खुदावंद ने तो आए, अगर वो नहीं मानता तो इट्स ओके, आपने उसे नफरत नहीं करनी, बट एक तरीका होता है वो आप लोगों को पता है, खुदावंद आपको गाइड कर देंगे वो कैसे होता है। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगर और हेल्थी एंगर, और खुदावंद ने सुनसी का क्या था, कंपैशन था हमारे लिए, मोहब्बत थी, उसमें खुदावंद का एंगर मिला, खुदावंद ने एंगर किया। इसलिए मैं चाहता हूँ एक मिनट लिए फिर आँखें बंद करें आप लोग और अपने आप को खुदावंद से, आज के खुदावंद में बेतुका गुस्सा नहीं करना चाहता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एंगर इज नॉट फ्रॉम गॉड, जो नफरत है जो गुस्सा है वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। अगर मैं गुस्सा करता रहा हूँ इस पहले और गुस्से में मैंने गलत बातें बोली हैं, मैंने गालियाँ दी हैं किसी को, कुछ गलत किया, तो खुदावंद फॉरगिव करें एंड नेक्स्ट मैं आप जैसा बन सकूँ, मेरी जो पर्सनैलिटी हो आप जैसी हो, जैसे आपकी जो सारा मेरे लिए जब आप इस दुनिया में आए गुस्सा ही पर्सनैलिटी जैसी आपकी थी मैं वैसा है, बेतुका गुस्सा ना करूँ बिला वजह का, और आप मैं फिरता चला जाऊँ। याद रखें हम यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं, मेक श्योर कि आप अभी जो दुआ दे रहे हैं आप यीशु मसीह की तरह बनते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। आमीन। अब नेक्स्ट जो है वो मेरा फेवरेट चीज है, वो है जेनरोसिटी, सखावत, सखावत कहेंगे जेनरोसिटी को, गिविंग, देना। किस चीज को पता है यीशु मसीह की लाइफ जो है वो शुरू से लेकर अंत तक बस गिविंग पे थी, देते ही रहे, देते ही रहे, किसी को शिफा दी तो किसी को माफ किया, हर किसी को सिर्फ देते रहे। किस किस को ये पता है ऐसा है, 12,000 कई लोगों को खाना खिलाया दो टाइम, पतरस में जो मछलियां पकड़ने गया उसको मछलियां दे दी, सिर्फ गिविंग गिविंग गिविंग, और जो उन्होंने हमारे लिए जान दे दी वो भी गिविंग थी, ऐसे ही हमारे लिए थी। इसलिए खुदावंद को जेनरोसिटी बहुत पसंद है, हम लोग भी आप लोग जेनरस हो जाए, जितना जेनरस हो सकते हैं गिविंग करें, जब हम जेनरस हैं जब हम गिविंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुदावंद की पर्सनैलिटी के करीब होते हैं। ये मैं अपने पहले मैसेजेस में भी बता चुका हूँ, जब मैं टाइथ एंड ऑफरिंग पर मैसेज देता होता था, ज्यादा से ज्यादा दें, ज्यादा से ज्यादा दें। बाइबल में लिखा है कि क्यों फिक्र करते हो कल की, ऐसे है कि अब मैं परिंदों को देना जानता हूँ तो क्या मैं तुम्हों को नहीं दूंगा। इसलिए जिसकी मदद आप लोग कर सकें, जब खुदावंद आपको कहे कि ब्लेस है ब्लेस है दें, ये ना सोचे कि पीछे क्या बचेगा। हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग तो टाइम भी उस टाइम निकालते हैं जब हमारे सारे मंथली पूरे हो जाए और जो पैसा बचे देते दे, तो कुछ लोग वो भी नहीं देते, और बाद में लेकर हमें पहले फलों से खुदावंद के पास रखते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जब मेरी आती है, मैं स्कूल में हूँ, मेरी सैलरी ट्रांसफर हुई हो, सबसे पहले मेरी टाइप जो है वो मामू के पास आ जाती है। हनी की सैलरी नहीं भी आती तो मैं अपनी सैलरी से उनकी टाइप दे देता हूँ, कि सबसे पहले मैं ये करता हूँ।
क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है गुदाम से, जेनरोसिटी, जिस पर मैं खुद अमल करता हूँ। और शुक्र है गुदाम का, गुदाम मेरे लाइफ पार्टनर इतना चल रही है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसको नहीं देना उसको नहीं देना, हम हमेशा मुझे बोलते हैं बात कर जेनरोसिटी के लिहाज से हम हमेशा देते हैं। इसलिए अगर आप गुदाम की तरह बनना चाहते हैं तो ये सुन सी क्या कि ये सबसे अहम चीज़ है कि जेनरस बने, लोगों को दें, दुआएं दें, हर सिर्फ रुपया पैसा नहीं, हेल्प करें लोगों की जैसे यीशु मसीह करते थे, हर तरह से जेनरस बने। आए एक बार फिर आके बात करें खुदाओं को, कहें खुदाओं कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने आपको ठगा हो टाइम में, मैंने आपको ठगा हो किसी भी तरह से जेनरोसिटी में, तो खुदाओं का अपना दिल आपको देता हूँ जिस तरह आप यूज करना चाहते हैं मुझे कहने, मुझे लोग दिखाएं कि जिनको मैंने ब्लेस करना है, ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की तरह बने। हालेलुया, खुदावन को कहें खुदावन मैंने कहीं भी कमजोरी दिखाई है, मैं कहीं भी कमी रही है पिछले दिनों में, तो खुदावन अब से आज से मैं वो कमी नहीं रखना चाहता, आज से मैं वैसे ही मिजाज रखना चाहता हूँ जैसा आपका था। याद रखें कि आप लोग यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं, जब लोग दुआ कर रहे हैं तो अब यीशु मसीह की तरह बनते जा रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हम एक और बहुत अहम पॉइंट है, एक्चुअली चार पांच हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ दो बताऊंगा टाइम को मद्देनजर रखते हुए। डिटर्मिनेशन, अज़्म, बाइबल लिखा ना, अब वो एक्चुअली हम लोग भी गीत गाते हैं, जो चाहे वो कर लेता, यीशु जो कर ले अज़्म, ऐसे है ना, हम लोग भी गीत गाते हैं, शेरे गोबर यीशु शेरे गोबर, हाँ पक्का इरादा, दैट्स राइट। थैंक यू सो मच कि मुझे अच्छे आसान लफ्जों में अच्छा है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पक्का इरादा, जो आप करते हैं, जो आप कर रहे हैं खुदावन के लिए अगर करें, अगर खुदावन ने आपको कहा है कि करें, मैं बताता हूँ खुदावन ने मुझे इन डेज में क्या कहा हुआ है। मुझे खुदावन ने कहा कि मैंने एक यूथ कॉन्फ्रेंस करवानी है, और मैंने यूथ कॉन्फ्रेंस करवानी है, उसके लिए फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, बट आई एम ऑन दिस एजेंडा कि मैंने करना ही करना है, और मुझे पता है खुदावन देंगे उसके लिए। मैंने यूथ कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने किस किस को बताया, लड़कों का एक ग्रुप का वॉरियर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से, तो बेसिकली हम लोगों को दोबारा से मुझे खुदा ने डाला है मेरे दिल में कि मैंने वो करना है, और मैं वो करूँगा क्योंकि खुदा ने मेरे दिल में डाला। इसलिए इफ यू डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड, खुदा ने अगर आपको कुछ कहा है कि आप करें तो फिर करें, पीछे ना करें। फिर ये नहीं कि चौके बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, इसी रहे, ये चीज़ नहीं है। डिटर्मिनेशन, यीशु मसीह के लिए बात ठीक है, नहीं उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, जब क्या उनको नहीं था पता कि यहूदा उनको सेल कर रहा है, वो जाते तो यहूदा कहीं चले जाते ना पकड़े जाते, बट यीशु मसीह ने करना ही करना था, ऐसा था कि नहीं। तो इसलिए अगर कुछ कर रहे हैं आप खुदावन के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, तो जस्ट थिंक डिटरमिनेड रहे उसमें कि वो करना है तो करेंगे, तब हम यीशु मसीह की तरह और बनते जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ऐसे ही थे, जब करना था उन्होंने किया। इसलिए आप भी जो अज़्म कर लें खुदावन के लिए करने के लिए, फिर वो उसको करें, ये भी खुदावन के लिए बहुत अहम है। एक मिनट के लिए आई एम श्योर आप टायर्ड नहीं हो रहे इस चीज़ से, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं चाहूँ तो नाम ही प्रेयर करूँ, इट्स ओके, बट मैं एंड में प्रेयर करवाता ना तो शायद आप एक दो पॉइंट भूल जाते हैं, बट इसलिए मैं चाहता हूँ हर पॉइंट के बाद करें ताकि आपको पता हो कि आपने हर चीज़ के लिए प्रेयर कर लिया। इसलिए एक मिनट के लिए आंखें बंद करें, खुदा को फिर से कहें खुदा कि जैसे आप थे, जैसे आपको जो काम सुनने आपके लगा था, जो आपने फुलफिल किया, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ, मैं भी डिटरमिन्ड रहना चाहता हूँ, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। अपने आप को परखिए, पिछले गुजरे तमाम दिनों में कुछ गलतियां हुई हैं जो इन सारे पॉइंट्स को लेके हुई हैं, तो अब नेक्स्ट ना करें, यीशु मसीह की तरह बनते जाएं। हालेलुया।
इन जीसस नेम एमेन। अब लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल, वो तो हम लोग एक्चुअली सारी स्पिरिचुअल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो स्पिरिचुअल ना हो। स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, किस किस को खुदावन इसमें से ये खूबसूरती पता है, किस चीज किस किस को खुदावन की ये खासियत पता है, स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, खुदा के साथ वो क्या करते थे, अपना टाइम गुजारते थे, किस 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 को ये बात पता है, और हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं खुदावन के साथ, कोई बताया कि हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं खुदावन के साथ, हम यीशु मसीह की तरह वो हो रहे हैं ना। तो खुदावन की ये बड़ी अच्छी खूबी थी कि अपने बाप के साथ हमेशा लग जा के शगीतों को छोड़ के चले जाते रहते थे, हमेशा खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करते थे। किस किस को पता है, आप सबको पता है। इसलिए आज से अगर आपके पिछले सारे दिन में कुछ कमी नहीं है, आप डेली खुदावन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते रहे, तो अगर यीशु मसीह की तरह होना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट मैंने क्या बोला था, यीशु मसीह है, हम सारी उम्र इतनी लाइफ गुजार ली यीशु मसीह को फॉलो करते आ रहे हैं, और अभी भी अगर हम स्टैंडर्ड के यहाँ तक भी पहुँचे तो गलत बात है, ऐसे है कि नहीं। इसलिए अगर यीशु मसीह की तरह होना चाहते हैं, स्पेंड एज मच एज यू कैन टाइम स्पेंड विद लॉर्ड, जितना खुदा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, फिर क्या होगा, खुदा आपसे लाइव बातें करेंगे जैसे यीशु मसीह से लाइव बातें करते थे। जितने खुदाम के बुजुर्गीदा लोग जिनसे खुदा लाइव बातें करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदाम के साथ टाइम स्पेंड करते रहे। इसलिए ये लास्ट पॉइंट है तो बड़े और थे, लेकिन आई एम जस्ट कटिंग इट ऑफ। आज के लिए जो मेन पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट ये था कि खुदाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। पिछले गुजरे तमाम दिनों में कमी रही है इस चीज़ में, खुदाम को कहें खुदा मेरा तो स्टैंडर्ड आप थे, मैं तो आप जैसा बनना चाहता था, अगर मैंने इस चीज़ में कमी रखी है कि मैं खुदा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, तो इस कमी को दूर करें। तो एक बार लास्ट टाइम आप बंद करें प्लीज़, खुदा आपको बोलते हैं, खुदा को कहें कि खुदा मैं पिछले गुजरे दिनों में आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, मैंने मैं इतना क्लोज था कभी या नहीं था, तो अब मैं आपके क्लोज आना चाहता हूँ। खुदा जो अगर कोई कमी है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। आज जितने पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को बाद में दे सकता हूँ, अगर आप उनको चाहिए मैं व्हाट्सएप करवा दूँगा पास्टर जी से, ताकि आप उनको जेहन में रख के खुदा जैसे बन सकें और ज़्यादा नहीं, उनको डेली रिमाइंड करें। और अभी स्पेसिफिक बात के लिए कि स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, ज़्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदा को कहें खुदा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हर दिन आपकी फेलोशिप कराना चाहता हूँ, ताकि मैं एक दिन आपकी आवाज़ सुने बगैर ना जाऊँ, मैं जो काम करूँ आपकी आवाज़ सुनूँ, जो आप मुझसे हम कलाम हो डेली मेरे से हम कलाम हो, मैं जॉब पे जाता हूँ मेरे से हम कलाम हो, मैं कोई चीज़ करता हूँ कहीं जाता हूँ मेरे से हम कलाम हो, वो सिर्फ एक वजह से हो सकेगा, जितना ज़्यादा आप टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेंगे खुदा उतना ही ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। हालेलुया।